शिवपुरी जिले के खनियान धाना शिक्षा विकास खंड के गुरड़ का शासकीय प्राथमिक विद्यालय इन दिनों क्षेत्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीते साल यहां पर यानी कि खनियान धाना के सरकारी स्कूल ट्रेन और हवाई जहाज में तब्दील किया गया था। अब एक बार फिर खनियान धाना में स्कूलों को लेकर किया गया है नवाचार, जो की चर्चा में बना हुआ है। पिछले साल खनियान धाना के शासकीय स्कूल नंबर 1 में कक्षा को जो ट्रेन मॉडल का रूप दिया गया था, उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में छाई रही। वही खनियान धाना से 8 किलोमीटर दूर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़र को, जो कि कई वर्ष पुराना है, विद्यालय प्रभारी द्वारा पेंट कर लाल किले की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, जिसमें कि खनियान धाना के ही पेंटर आनंद आर्ट की 3D पेंटिंग के चलते किले का सजीव रूप साकार किया गया है। इस विद्यालय को देख यहाँ के ग्रामवासी भी आश्चर्यचकित हैं, तो इधर विद्यालय के प्रभारी सुरेंद्र जैन भी काफी उत्साहित हैं। जैसे ही ये विद्यालय का नया लुक सामने आया, विद्यालय में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं बच्चों की संख्या बढ़ने से शैक्षणिक स्टाफ का भी यहाँ पर मनोबल बढ़ा है। विद्यालय के प्रभारी सुरेंद्र जैन ने बताया कि विद्यालय के निरीक्षण पर आए BRCC संजय भदौरिया से जब मैंने इस संदर्भ में चर्चा की, अगले माह मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, तो उन्होंने यहां पर मोटिवेशन के माध्यम से मुझे बताया कि कुछ अलग से ऐसा काम करें जो कि आपने अभी तक अपने कार्यकाल में ना किया हो। बिल्डिंग प्राचीन होने के कारण इसमें हम लोगों ने किले का भव्यतम रूप देने का निश्चय किया और ये परिणाम आपके सामने है। मैं बताऊं कि हमारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुड़र बहुत पुराना है और इसमें हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्री सत्यम पांडे द्वारा या हमारे स्टाफ ने मुझे मोटिवेट किया कि आपका जो अभी जनवरी में रिटायरमेंट है, तो अपन क्यों ना अपने स्कूल को एक किले का रूप दे के इसमें नया नवाचार करें, जिससे बच्चों की एवं पालकों की उत्सुकता एवं रुझान स्कूल के प्रति अच्छा रहेगा। मैंने उसी तारतम्य में पेंटर आनंद को एवं उसके गुरु भाई सुप्री से बुलवा कर और यह नवाचार करवाया है। तो यहाँ पे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है? हाँ, छात्रों की संख्या में अभी 8 दिन से लगातार वृद्धि हो रही है। पालक लोग रोजाना अपने बच्चों को यहाँ भेजने आ रहे हैं और किले को देखने आ रहे हैं और हम लोगों को अच्छा वो दे रहे हैं। एक